बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक के किसानों ने वेयरहाउस द्वारा संचालित खाद्य वितरण केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही और परेशान करने का आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार खाद के लिए बच्चों सहित बड़े बुजुर्ग भी लाइन में लगकर परेशान हो रहे हैं। वितरण करने वाले एक मशीन लिए बैठे हैं जिसे चार्ज के नाम पर बार बार बंद कर दिया जाता है। इस मामले में जब खाद वितरित कर रहे विपणन संघ विभाग के जवाबदारों से बात की तो उनका जवाब साफ है कि सिर्फ एक मशीन है जिसे चार्ज करने में समय लगता है। अधिकारी कहते हैं कि जगह भी किराए से ली गई है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। खेराम खरते खरते जी कहाँ रहते हो? बमनाली। क्या लेना आए हो? खाद लेना आए थे। क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पर? यहाँ तो दिक्कत सर, सुबह से खाद जो देना चाहिए था समय पे नहीं दे रहे और इनकी मन मर्जी से दुकान ये मशीन बंद करके खाना खाने जाते तो उसमें एक दो घंटा समय लगाते हैं। बहुत परेशानी हो रही है सर। बस से आए। अब टाइम हो गया, कैसे जाऊंगे आप लोग? यही सोना पड़ेगा, धान मंडी में सोएंगे। कब से आए हो आप? 3 दिन से परेशान हो रखा। अभी भी खाद नहीं मिला? नहीं मिला। मेरा नाम विकास जमरे है। विकास कहाँ से आए हो? हम पाटी क्षेत्र से आए हैं, पाटी ब्लॉक से। कौन से गांव से आए? ग्राम वलन से। क्या लेना आए? हम यूरिया खाद लेने के लिए आए थे। क्या दिक्कतें आ रही है सर? यहाँ पर हम लगभग सुबह को ही 5 बजे से 6 बजे से यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, 10 बजे से पहुँच गए हैं और काफ़ी संख्या में हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे मतलब समय अनुसार एक ही मशीन चल रही है, वो भी बार बार बंद कर रहे हैं, कभी चार्ज ख़त्म हो रहा है। और हमारे साथ ये भी हुआ है कि हमारे साथ में महिलाएँ भी, पढ़ने वाली बालिकाएँ ये भी लाइन में लगे हैं, तो बीच में मतलब 10 पुरुषों को देना चालू कर दिया और महिलाओं को कल से नहीं दूंगा, नहीं देना है, जो करना है वो कर लो करके इसी मतलब यहाँ के जो सेल्स मैंने जो वितरण कर रहे हैं उनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई। कौन है ये लोग? ये मतलब ये वेयर हाउसिंग वाले हैं जो खाद दे रहे हैं, इनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई है। खाद नहीं मिली आपको? नहीं मिली अभी, और आज भी मतलब 4 बजे से मशीन बंद कर ली, चार्ज नहीं है करके, और उससे पहले भी बीच में 2 बार मशीन बंद कर ली थी कि सर्वर डाउन है। कितनी खाद मिलना थी आपको? लगभग हम 8 बोरी लेने, मैं स्वयं 8 बोरी लेने आया था और मेरे साथ वाले हैं 4-4, 6-6, 2-2 बोरी वाले। कितने लोग आए हैं टोटल? लगभग हम अभी तो हम यहाँ से 50-100 लोग हैं और बाकी के बहुत सारे लोग चले गए बंद होने के कारण, लेकिन हम रुके रहे। परेशान हो रहे, क्या कारण है खाद नहीं मिल पा रही? सुबह 9 बजे से खुल गया है, सुबह से दे रहे हैं, अब मशीन डिस्चार्ज हो गई है तो अब कैसे दे रहे हैं? 5 बजे 10 मिनट पहले ही बंद करा है अभी थोड़ी देर पहले। 3 रोज से लोग परेशान हो रहे हैं खाद के लिए। सुबह से दे रहे हैं, कैसे परेशान? अब इतने पूरे लोगों को थोड़ी ना दे पाएंगे, एक ही मशीन है, एक मशीन से जितने बिल फटते उतने फाड़ रहे हैं हम। पर डे कितने किसानों को? 150 करीब किसानों को दे रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? मशीन क्यों बंद हो रही है बार बार? मशीन मोबाइल जैसी होती है, जो जितना चार्ज रहती है उतने चलती है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि आपके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है इनसे। क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस टाइप से बताएं? सही ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है। क्या सही ढंग से जवाब नहीं दिया दे रहे? जो पूछ रहे बताइए। पेयजल की सुविधा तक नहीं है? कहीं की सुविधा नहीं है? पेयजल की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। पेयजल है ना, मंडी है, मंडी हम लोगों ने खुद किराए से गोडाउन ले रखे हैं, सामने उधर मटका है वहाँ, यहाँ पर व्यवस्था, अब यहाँ उधर नल वगैरह रखे, इतनी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे इतने सारे किसानों की? मैडम 3-4 दिन समस्या बनी हुई है तो मशीन का क्या निराकरण होगा फिर? निराकरण एक मशीन है, बाकी अधिकारियों से बात करेंगे, अगर एक और मिल जाती है तो व्यवस्था करेंगे, 2 मशीन करेंगे। कौन कौन से क्षेत्रों के किसानों को यहाँ पर वितरण हो रहा है? बड़वानी जिले के सभी किसान। क्या नाम है मैडम आपका? श्रीमती जागृति देवले। कौन सा पद? क्षेत्र सहायक के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।